हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में डेली लाइफ से जुड़े कुछ सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनका कि आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चंस यूजुअली प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के एंट्रेंस एग्जाम और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं और ये टेस्ट करते हैं आपकी एनालिटिकल स्किल्स और स्पीड को। तो चलिए देखते हैं कि आज के तीन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शीला अपने लिए एक नई साड़ी खरीदना चाहती थी, तो वो अपने पति रवि के पास जाती है और रवि से पैसे मांगती है। रवि कहता है कि साड़ी के लिए मैं तुम्हें अपने वॉलेट में से रैंडमली कोई भी 10 नोट निकाल करके दे दूंगा। रवि के वॉलेट में सिर्फ दो तरह के नोट थे, 500 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। तो रवि अपने वॉलेट में से 10 नोट निकाल करके शीला को दे देता है। जब शीला इन नोटों को गिनती है तो उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ 2200 रुपए ही मिले हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन 10 नोटों में से शीला को 500 रुपए के कितने नोट मिले हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है 3। शीला को 500 रुपए के 3 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 7 नोट मिले हैं। इस तरह से उसे टोटल जो रुपए मिले हैं वो हैं 2200 रुपए। और मैथ्स लवर के लिए ये हैं कुछ इक्वेशंस जो कि इसे मैथमेटिकली सॉल्व करती हैं। तो क्या आप बता पाए इसका सही आंसर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन पैसों को लेकर के शीला मार्केट जाती है साड़ी खरीदने के लिए। काफी देर देखने के बाद शीला को फाइनली एक साड़ी पसंद आई जो कि 1600 रुपए की थी। जो 10 नोट शीला को रवि से मिले थे वो उनसे 1600 रुपए दुकानदार को देती है और साड़ी खरीद लेती है। दुकानदार को पैसे देने के बाद उसके पास सिर्फ 2 नोट बचे थे। क्या आप बता सकते हैं उसने दुकानदार को 500 रुपए के कितने नोट दिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है 2 नोट। शीला ने 2 500 के नोट दुकानदार को दिए। शीला दो तरह से दुकानदार को पेमेंट कर सकती है। पहला, जिसमें वो 3 500 के नोट दे और 100 का नोट दे, और दूसरा जिसमें वो 2 500 के नोट दे और 600 के नोट दे। अब क्योंकि पेमेंट के बाद शीला के पास सिर्फ 2 नोट बचे हैं, इसका मतलब शीला ने दूसरा मेथड यूज किया। और जो 2 नोट उसके पास बचे हैं उसमें से एक 500 का है और एक 100 का है। तो क्या आपका आंसर भी सही था? तो चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे। साड़ी लेकर के शीला अपने घर जाती है और क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 600 रुपए ही बचे हैं, वो अपने पति रवि से और पैसे मांगती है। इस बार रवि खुश होता है और उसे 20 नोट देता है। रवि से 20 नोट मिलने के बाद शीला जब अपने पैसों को गिनती है तो उसके पास 7000 रुपए होते हैं, जिसमें से 600 रुपए उसके पास पहले के बचे हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं रवि से 20 नोट और मिलने के बाद फाइनली शीला के पास कितने 500 के और कितने 100 के नोट हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा। एक हिंट मैं आपको दूंगा कि दोनों तरह के नोट 10 या उससे ज्यादा हैं, और मैथमेटिक्स लवर्स के लिए ये हैं कुछ इक्वेशंस जो कि इसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और पजल्स देखनी है तो आपके स्क्रीन पे कुछ वीडियो लिंक्स आ रहे होंगे जिन्हें कि अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इन वीडियोस को देख पाएंगे। आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए।